हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो है हम अपनी क्लास क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, हमारी जो फंजाई है, ठीक है, वो कैसी है हमारे पास? वो है मल्टी सेलुलर। वो कैसी है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें, ठीक है? तो ये कैसी है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? इतना हमने देखा। ये कैसी है? टेरेस्ट्रियल है। कैसी है? टेरेस्ट्रियल है, ठीक है? टेरेस्ट्रियल का मतलब आप समझते हो कि हाँ, ये हमें मतलब कहाँ देखने को मिलेगी? हमें जमीन पे, ठीक है? टेरेस्ट्रियल, जमीन पे हमें देखने को ये मिलेगी। और क्या चीज है इसमें? इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, कॉस्मोपोलिटन। एक मिनट, क्या है? कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है कि हर जगह, जहां पे भी देखे जाओगे आप, वहां हर जगह आपको ये देखने को मिलेगी। आगे हम लिख लेते हैं कॉस्मोपोलिटन, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी होगी, प्लांट्स हो गए, ठीक है? इन सब चीजों पे हमें देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर हो गया, वॉटर हो गया, एयर हो गया, वॉटर हो गया, सोइल हो गया, ठीक है? एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ रहे हो ना? यहाँ पे हमने सारी चीजें मेंशन कर ली हैं कि कॉस्मोपोलिटन मतलब हर जगह, हवा में, पानी में, मिट्टी में, पौधे पे, एनिमल्स पे, ठीक है? हर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्मोपोलिटन, ठीक है? अब बात आती है कि ये मतलब कि अगर हर जगह पाई जाती है तो इसको मतलब कि कैसे एनवायरमेंट चाहिए, ठीक है? कि ये वहां पे अपनी ग्रोथ जो है ये कर पाए, ग्रो कर पाए, ठीक है? तो ये कहां पे मिलेगी हमें देखने को? प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है? मतलब कि जहां पे भी ह्यूमिडिटी, जहां पे भी मॉइस्चर होगा थोड़ा सा भी, वहां पे ये हमें देखने को मिल जाएगी, इजिली ग्रो करेगी फंजाई का। वो सुटेबल कैसा होता है? सुटेबल एनवायरमेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो हमने देखा कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल है, कॉस्मोपोलिटन, हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? कहाँ पे ये ग्रो करना प्रेफर करेंगे? जहां पे इनका सुटेबल कंडीशन मिलेगी, एनवायरमेंट मिलेगा, जैसे कि वार्म हो गया हल्का, ठीक है? वो मतलब कि थोड़ी सी भी गर्मी होगी, और ह्यूमिड प्लेस मतलब कि नमी वाले जगह पे, ठीक है? तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि पूछा गया है कि why we keep food in the refrigerator, in the refrigerator, कि हम फूड जो है वो फ्रिज में क्यों रखते हैं, ठीक है? सबको पता है अगर हमने ब्रेड को बाहर रख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने ब्रेड को बाहर रख दिया फ्रिज के, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक दो दिन में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन ग्रीन जो फुई लग जाती है ना, ठीक है? तो क्यों लगती है? वो आपकी फंजाई होती है, ठीक है? वो एक फंगस होता है जो उसको, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा भी उसका सुटेबल एनवायरमेंट मिला तो वो तो वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी, अपनी ग्रो करने स्टार्ट कर देगी, है ना? आई ना बात समझ में? इसी फंगस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम खाने को क्या करेंगे, अंदर फ्रिज में रख देते हैं। ब्रेड का एग्जाम्पल लिया हमने, या फिर कोई और भी चीजें, आप खाने पीने की चीजें, आप देखना थोड़ा सा भी अगर उस खाने में नमी मिल गई फंजाई को, ठीक है, तो वहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो इसकी वजह से हम क्या रखते हैं, अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं।
अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा था कि फंजाई क्या है, एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें एक एग्जांपल है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कुछ फंजाई जो है, सम फंजाई आर सिंगल सेल्ड, ठीक है। कुछ फंजाई जो है वो सिंगल सेल भी होती हैं। एग्जाम्पल क्या है उसका, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट जो एक ऐसी फंजाई है, ठीक है, जो कैसी है, सिंगल सेल है, मतलब कि यूनिसेलुलर है। क्या है आपकी, यूनिसेलुलर, ठीक है। और कैसी, और सारी कैसी हैं, और सब हैं मल्टीसेलुलर, लेकिन जो जो अपनी यूनिसेलुलर कौन सी है, वो है ईस्ट। याद रखना, फंजाई कैसी है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ईस्ट कैसी है, वो यूनिसेलुलर है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आई बात समझ में? इतना हमने देखा कि ये क्या क्या है अभी तक, और देख लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सेल वॉल की, किसकी, इसके सेल वॉल की। जो सेल वॉल क्या है, इसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। और वो कैसी बनी है, मेड अप ऑफ, किसकी बनी है, मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, किसकी बनी है, मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की, ओके। अब देखो, अब ये फंजाई जो है वो होती कैसी है, वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स। कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स हैं मतलब इनके पास क्या हुआ, इनके पास जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट है। क्या होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। और ये कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर पाएगा, जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना पाएंगे, वो सनलाइट से बना पाएंगे ना अपना खाना, तो उनके पास क्लोरोफिल वगैरह भी प्रेजेंट होगा। लेकिन ये हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, तो इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, इनका जो मतलब कि मॉर्फोलॉजी, जो इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इनका हैबिटेट है, इनका क्या करेगा, इनमें बहुत सारी वेरियस मतलब कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। मतलब कि हमें इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, कि कोई किस शेप का, कोई किस शेप का, ठीक है, और इनके हैबिटेट में भी हमें ये सारी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो क्या करते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है, इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इतनी बात आई समझ में? अब क्या है, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब कि इनमें क्या होगा, इनमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा, इनमें और क्या चीजें थी हमारे पास फ्लैजिला के अलावा, बताओ जरा, और क्या क्या चीजें थी हमारे पास, देखें जरा किस किस को याद है, किस किस को नहीं, है ना, तभी तो पता चलेगा। फ्लैजिला के अलावा और क्या क्या चीजें थी, फ्लैजिला के अलावा हमारे पास था सीलिया, हमारे पास था सुडोपोडिया, जिससे कि वो मूवमेंट शो कर पाते थे, जो हमने किसमें पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था लास्ट किसमें, कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो नॉन मोटाइल है, दैट मींस दे डोंट हैव, इनके पास क्या होगा, इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला नहीं होगा, सीलिया भी नहीं होगा मोमेंट के लिए, ठीक है, इनके पास सुडोपोडिया भी नहीं होगा, सुडोपोडिया भी इनके पास एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन मोटाइल हुए, ठीक है, आई बात समझ में? तो फंजाई हमारा कैसा एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
अब जैसे कि हमने बताया था कि हम इसके खाने को वहां पे कहां पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फंजाई जो है वो ग्रो करती है, मॉइस्ट ब्रेड हो गई, रोटेन फ्रूट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेती हूं, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड हो गई, मॉइस्ट ब्रेड हो गई, ठीक है, एंड रोटेन फ्रूट्स, एंड रोटेन फ्रूट्स, ठीक है, आई बात समझ में। इतना हमने देख लिया और अब आगे क्या देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि अब फंजाई जो है अपना खाना किसकी फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है। दे स्टोर दे फूड, दे स्टोर देयर फूड किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में अपना खाना जो है वो क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब जो है हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मतलब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि कॉस्मोपॉलिटन है, ये यूनिसेलुलर है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब जो फंजाई जो है वो कैसी है, फिलामेंटस है। फंजाई कैसी है, फंजाई है फिलामेंटस, ठीक है। फंजाई कैसी है, फिलामेंटस, मतलब कि इनकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, इनकी बॉडी पे मतलब कि लॉन्ग स्लेंडर लाइक, स्लेंडर थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, फिलामेंटस जो इनकी जो बॉडी है, ठीक है, फंजाई की जो बॉडी है, देयर बॉडीज कंसिस्ट, देयर बॉडीज कंसिस्ट, ठीक है, सॉरी कंसिस्ट, कंसिस्ट, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, आगे क्या है, लॉन्ग स्लेंडर लाइक, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइफे, क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। मतलब कि इनकी फंजाई कैसी होती है, फंजाई जो है वो फिलामेंटस होती है, इनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर क्या होंगे, आपको लंबे लंबे स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या नाम देंगे, जिनको हम नाम देंगे हाइफे, ठीक है। इतना हमने देखा। अब जब हाइफे जो है वो क्रिस क्रॉस करके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम ये देखेंगे, यहाँ पे मैं आपका लिख देती हूँ, ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। हाइफे हमने, हाइफे देखा कि फंजाई की बॉडी पे क्या होते हैं, हाइफे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हाइफे, इनका जो क्लस्टर ऑफ हाइफे जो है, क्लस्टर ऑफ हाइफे हम एक तरीके से बोल सकते हैं, क्लस्टर ऑफ हाइफे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम माइसीलियम, उसको हम क्या नाम मेंशन करेंगे, उसको हम नाम देंगे माइसीलियम। मतलब कि उनकी बॉडी पे तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी बॉडी पे, ठीक है। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्लस्टर नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाम देंगे माइसीलियम, क्या हम नाम देंगे, माइसीलियम। और ये आपका क्या है, ये है आपका हाइफे, ठीक है। हाइफे से क्या बना, हाइफे से माइसीलियम बना, ठीक है। इतनी चीजें हमने देख ली। अब जो है कि इतनी सारी चीजें तो हमने देखी, अब हम क्या देखेंगे कि भाई जब हमने ये देखा, ठीक है, कोई भी एनवायरमेंट है, कैसा है, कोई भी एक एनवायरमेंट है जो सूटेबल है फंजाई की ग्रोथ के लिए, क्या है, कोई भी एक एनवायरमेंट है, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई मतलब कि यहाँ पे मॉइस्ट ब्रेड है, अब हमें देखने को तो मिलेगी नहीं कि हाँ भाई फंजाई उड़ती हुई जा रही है, उसे पता चला कि ये तो यहाँ पे मॉइस्ट ब्रेड रखी है, यहाँ पे मैं ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ग्रोथ दिखाती हूँ, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसा तो नहीं होगा ना
कि भाई हमें देखने को थोड़ी ना मिलेगी वो, तो हम ऐसी क्या चीज है कि हाँ जिससे कि पता चले कि भाई वहां पे मॉइस्ट पैड पे क्या होगा, ग्रो करेगी फंजाई। तो इसके क्या होते हैं, हवा में ना छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ये क्या है? स्पोर्स हैं, फंजाई के स्पोर्स हैं, ठीक है, जो किस पे ग्रो करेंगे, जो ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे मॉइस्ट ब्रेड पे। एनवायरमेंट में क्या होते हैं? एनवायरमेंट में स्पोर्स पाए जाते हैं फंजाई के, ठीक है, फंजाई के स्पोर्स पाए जाते हैं। और जहां पे भी मतलब कि हवा में जैसे डिस्पर्स हो जाते हैं स्पोर्स उसके फंजाई के, तो वो हमें एनवायरमेंट में देखने को मिलेंगे। और जैसे ही उसका सुटेबल एनवायरमेंट हुआ, वैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी मॉइस्ट ब्रेड पे, रोटन फ्रूट्स पे, ठीक है, और उस चीज को क्या करना स्टार्ट कर देगी, गलाना सड़ाना स्टार्ट कर देगी। फिर वो खराब हो जाती है, हम खा नहीं सकते, अगर खाया तो फिर पेट खराब, सबको पता है ना। तो क्या होता है, स्पोर्स पाए जाते हैं हवा में फंजाई के, और जैसे ही उसको अपना सुटेबल एनवायरमेंट मिला, वो उस चीज पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। इतनी बात आई समझ में, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि फ्रूटिंग बॉडीज की, ठीक है, तो माइसीलियम है, माइसीलियम का हमने देख लिया कि क्लस्टर ऑफ हाइफे है। अब माइसीलियम के आगे क्या होगा, माइसीलियम पे जो है एक मतलब कि ये यहाँ पे जैसे माइसीलियम बन गया, ठीक है, यहां पे करके कुछ ऐसे करके क्या बना लेगी, एक मतलब कि स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा माइसिलियम के ऊपर, क्या हो, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसको नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। आई बात समझ में कि हाइफे था, हाइफे से माइसिलियम बना, माइसिलियम के बाद माइसिलियम के ऊपर क्या होगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया फ्रूटिंग बॉडीज। ये इतना आया समझ में, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो आगे कैसे कैसे मतलब कि ग्रो करता है, फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, ठीक है, अलग अलग जो नाम दिए गए थे उनको समझा हमने, ये सारी चीजों को। इतनी बात आई समझ में। अब देखो और क्या है, और चीजें क्या दी हुई है, और हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इनका जो न्यूट्रिशन का हमने पढ़ा था कि हेटरोट्रॉप्स है, क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, तो ये हम इनके थोड़े से न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। एक ही मिनट बस। बस है ना, दिख रहा है ना सबको, एक सेकेंड, मैं ये साइड का थोड़ा सा रब कर लेती हूं, ताकि अगर हमें यहां पे जरूरत हुई तो हम अपना यूज कर लेंगे इस पार्ट को, है ना। तो चलो अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक, कैसे होते हैं ये होते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक मतलब कि क्या होंगे, आप सबको पता है सेप्रोफिटिक हैं, तो ये किस पे मतलब कि फीड करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, और वहां से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, ठीक है। ये किस पे फीड करेंगे, सेप्रोफिटिक होंगे तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, और वहां से ये अपना खाना लेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे क्या, ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक क्या कहेंगे, ये डिपेंड करेंगे मतलब कि किस पे, लिविंग थिंग जो होगी ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उस पे ये फीड करेंगे, डिपेंड ऑन लिविंग, क्या हो, या तो प्लांट्स हो गए, लिविंग प्लांट्स हो गए, या फिर
एनिमल्स हो गए, ठीक है, किस पे ये फीड करेंगे, पैरासिटिक होंगे तो डिपेंड करेंगे किस पे, अपने खाने के लिए या तो प्लांट पे फीड, या तो प्लांट पे करेंगे या फिर एनिमल्स पे करेंगे। अभी बात समझ में? तो सेप्रोफिटिक देखा अभी तक हमने, पैरासिटिक देखा, एंड द थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। थर्ड कौन सा है? थर्ड है सिम्बायोटिक। अब देखो सिम्बायोटिक में हम क्या देखते हैं, हम सिम्बायोटिक में देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, मतलब कि दोनों को ही फायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक को नुकसान हो गया किसी दूसरे का फायदा हुआ, नहीं, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो म्यूचुअलिज्म शो करेंगे और दोनों को ही बेनिफिट होगा, किसी एक को भी नुकसान नहीं होगा, ना ही दोनों को नुकसान होगा, उसमें दोनों का ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो दे शो म्यूचुअलिज्म। यहां पे मैं लिख देती हूं क्या म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है, एक तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दोनों ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें दोनों का ही फायदा होता है, किसी एक का भी नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एक म्यूचुअलिज्म, मतलब कि सिम्बायोटिक को हम म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं, जिसमें वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, यहाँ पे जो है मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसका, लाइकन का, ठीक है, एग्जांपल किसका ले लेती हूँ, लाइकन्स में। लाइकन्स में क्या होता है, दोनों दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं आपके, एक तो होता है एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है, तो इसमें दोनों को ही फायदा होता है। आई बात समझ में? ना तो एल्गी को नुकसान होता, ना फंजाई को, ना ही दोनों को कोई नुकसान होता। लाइकन में क्या होगा आपका, दोनों का ही बेनिफिट होगा। तो ये क्या है, एग्जांपल है किसका, सिम्बायोटिक का। किसका एग्जांपल आपका, सिम्बायोटिक का, ठीक है, इतना हमने देख लिया। और दूसरा क्या है, और दूसरे में आता है आपका एक दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, माइकोरहिजा। माइकोरहिजा इसमें क्या होगा, माइकोरहिजा में क्या होगा, इसमें रूट्स होंगे हायर प्लांट्स के और फंजाई होंगी, ठीक है। यहां पे जैसे मैं लिख देती हूं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस आपकी कौन सी होगी, ऑर्गेनिज्म फंजाई। तो ये हमने दो एग्जांपल देखे, हमने किसका एग्जांपल देखा, एक हमने देखा लाइकन्स का, लाइकन्स में क्या होंगे, एल्गी और फंजाई, इसमें दोनों का ही बेनिफिट होगा। दूसरा हमने एग्जांपल देखा माइकोरहिजा का, माइकोरहिजा में रूट्स होंगे हायर प्लांट्स के, और हायर प्लांट्स में आपका कौन सा आ गया, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी आपके हायर प्लांट्स में आ गए, ठीक है, और फंजाई, इनमें दोनों का ही आपका बेनिफिट होगा। आई बात समझ में? तो ये हमने किसके एग्जाम्पल देखे, ये हमने एग्जाम्पल देखे सिम्बायोटिक के, ठीक है। इसका हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, ठीक है, और इसके हमने कुछ सिंपल जो फीचर्स थे, ठीक है, वो सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स थे आप बोल सकते हो, वो सारी चीजें भी हमने इसकी क्या कर लिए, देख ली हैं। अब जो है बात आती है इसमें, इसमें किसकी बात आती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई इसका, इनका जो रिप्रोडक्शन का है वो कैसा है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। और थोड़ा सा स्क्रीन में छोटी कर लेती हूं ताकि हमें समझ आ जाए, और फिर जब हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे तो मैं ये स्क्रीन क्या कर दूंगी, बड़ी कर लूंगी, है ना। अब देखो, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोड ऑफ, एक मिनट थोड़ी सी मैं बड़ी कर लेती हूँ, है ना। चलो दिख जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज क्या है, हम अपनी ये देख लेते हैं एक बारी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी। अभी तक हमने क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि कैसे हैं कैसे नहीं है, अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें भी तीन चीजें आती हैं, कौन सी आती है आपकी, पहली पहली है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी तक जो है, अभी तक हमने देखा वो, उसमें हमने कभी भी ये नहीं देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी हमने किंगडम में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना अभी तक, जो भी हमने पढ़ा उसमें एक भी किंगडम में हमने नहीं पढ़ा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नहीं, हमने अभी तक एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें फंजाई जो किंगडम है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होगा। पहला फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, पहला है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है फीजन। और थर्ड वन कौन सा है, वो है आपका बर्डिंग। तो ये हमें तीन देखने को मिलेंगे। कौन से मिलेंगे हमें, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, उसमें हमें देखने को मिलेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, फ्यूजन के बारे में, और किसके बारे में, और हम देखने को मिलेंगे बडिंग के बारे में। ये हमारा था फर्स्ट वन। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है हमारा, ये आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें स्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, इसकी स्पोर फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्पोर फॉर्मेशन। और ये किस किस, कौन कौन से स्पोर बनेंगे इसमें हमारे पास, इसमें बनेंगे हमारे पास कोनिडिया, कौन सा बना, कोनिडिया बना, स्पोरेंजियोस्पोर बना, है ना, स्पोरेंजियोस्पोर बना। थर्ड वन कौन सा है इसमें, इसमें हम देखेंगे जूस्पोर। तो ये जो स्पोर बने हमारे पास वो किससे बने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, कौन कौन से, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब जो थर्ड वन कौन सा है हमारा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में भी देख लेते हैं किसमें क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास पहला ऊस्पोर, क्या होगा, ऊस्पोर होगा। दूसरा कौन सा होगा, वो होगा एस्कोस्पोर होगा हमारे पास। ठीक है, और थर्ड वन कौन सा होगा, बैसिडियोस्पोर। तो हमें जो देखा हमने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन, या तो कोनिडिया होंगे, या स्पोरेंजियोस्पोर होंगे, या जूस्पोर होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा होगा, उस्पोर होगा, एस्कोस्पोर होगा, बेसिडियोस्पोर होगा। ये हमें चीजें देखने को मिलेंगी। ये तो हमने देख लिया कि भाई हाँ, हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन इनसे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, या तो अगर उनमें कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो कौन सा होगा, या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, या फ्यूजन से, या बडिंग से। और बडिंग किसमें होता है आपको पता है, सिंपल सी बात है, वो आपको देखने को मिलेगा हमें किसमें, वो हमें देखने को मिलेगा ईस्ट में। बडिंग हमें किसमें देखने को मिलेगा, ईस्ट में। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपका कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सबसे। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब देखो फ्रेगमेंटेशन में आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, कि इसमें क्या होगा, इसमें मतलब कि कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, और टूट के वो क्या होगा, अलग से अपना क्या बना लेगा, अपना एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। आई बात समझ में, ऐसे फ्यूजन में होता है, ऐसे बडिंग में आपको ये देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, फिर आगे की जो क्लास होगी हम अपनी वो नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पे लिख लेती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, क्या है अपना, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है तीन स्टेप बताए गए हैं, कौन कौन से, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेप बताए गए हैं।
ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है प्लाज्मोगैमी, पहला कौन सा है? प्लाज्मोगैमी है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोगैमी में क्या बोला गया है, प्लाज्मोगैमी में ये बोला गया है कि इसमें फ्यूजन होगा, किसका फ्यूजन होगा? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन टू गैमेट्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, बिटवीन टू गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना, एक ही मिनट बस, प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी में होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटो प्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स, ठीक है। दो गैमेट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे? दो गैमेट्स होंगे और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो फ्यूज हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा होगा, वो होगा इसमें कैरियोगैमी के। सेकंड स्टेप कौन सा होगा, सेकंड स्टेप होगा कैरियोगैमी, ठीक है। पहला कौन सा था, प्लाज्मोगैमी, दूसरा होगा कैरियोगैमी। अब कैरियो में आपको पता है कि कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्यूजन होगा ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, प्लाज्मोगैमी में पहले दो गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, कैरियोगैमी में दो न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मियोसिस होगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास होगा मियोसिस, ठीक है, इतना हमने देखा। अब जो बात आती है मियोसिस, मियोसिस में क्या होगा, जो हमारे पास जो जायगोट बनेंगे ना, ठीक है, जो हमारे पास क्या हुआ, जायगोट बना, मियोसिस से क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी जायगोट में। मियोसिस कहाँ पे होगी, जायगोट में होगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, जायगोट रिजल्टिंग, जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लोइड स्पोर्स, इन हैप्लोइड स्पोर्स, ठीक है। तो जायगोट मतलब कि हमारे पास कैसा हुआ, 2n हुआ, और देखो सबसे पहले दो गैमेट्स हुए, दो गैमेट से क्या हुआ, ये जैसे कि हमारे पास क्या, एक मिनट, ये हमारे पास क्या है, दो गैमेट्स है, ठीक है, दो गैमेट्स हैं, ये फ्यूज हो गए, तो यहां पे जो है ये हो गया, ये हमारे पास कैसे स्टेज आई, ये हमारे पास स्टेज आती है एक डाइकैरियन, डाइकैरियन कैसी स्टेज आती है हमारे पास, डाइकैरियन स्टेज आई, ठीक है। अब जो है डाइकैरियन स्टेज के बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, कैरियोगैमी पढ़ा है, जिसमें क्या होगा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे, ये फ्यूज हो गए, ठीक है। फ्यूज होने के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर बनी जायगोट, हाँ ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनी, जायगोट। और जायगोट हमारा आपने देखा ये हमारा कैसा है, 2n है, जायगोट कैसा है अपना, 2n है फंजाई का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, जायगोट में हमने देखा मियोसिस होगी, जायगोट में क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी। अब जब मियोसिस होगी जायगोट में तो क्या होंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, और वो कैसे स्पोर्स होंगे, वो होंगे हैप्लोइड, ये स्पोर्स हमारे पास कैसे होंगे, वो होंगे हैप्लोइड। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या है, एक डाइकैरियन स्टेज बनती है जब आपके गैमेट्स जो हैं, ठीक है, एक ही मिनट, ये है क्या है आपके दो गैमेट्स हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, फ्यूजन हो जाएगा दो गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का, तो यहाँ पे फ्यूज हो गए, फ्यूजन हुआ ना, प्रोटोप्लाज्म का ही फ्यूजन बोला ना, और किसी चीज का तो फ्यूजन नहीं बोला, तो इसका न्यूक्लियस इधर ये रहा और इस गैमेट का न्यूक्लियस ये रहा, तो यहाँ पे क्या होगी, डाइकैरियन स्टेज हो गई, मतलब कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियस, ठीक है, आई बात समझ में। फिर आता है कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में क्या होता है, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये दोनों फ्यूज होके क्या बन गए, ये बना लिया इन्होंने एक,
ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जायगोट। और जायगोट हमारा कैसा है, 2n है, ठीक है। जायगोट कैसा है, 2n है। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे पढ़ा मियोसिस स्टेप, तो जायगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी, तभी तो लिखा है ना रिजल्टिंग इन हैप्लोइड स्पोर्ट्स। तो जायगोट में जब मियोसिस होगी तो वो क्या बनाएंगे, वो आपके बना लेंगे हैप्लोइड स्पोर्ट्स, ठीक है। वो आपके क्या बना लेंगे, हैप्लोइड स्पोर्ट्स बना लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ना, एन हो गई, ठीक है, इतनी बात आ जाती है, ठीक है। फिर जब आगे जो ऐसा ही स्टेप चलता रहेगा, इनकी जो आगे लाइफ साइकिल है वो ऐसी चलती रहेगी। अब फिर क्या होगा, इनमें माइटोसिस बना, फिर कोई दूसरी आगे हम पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर बनी, फिर वापसी से फिर से गैमेट्स बने, ठीक है। इतना पढ़ा ना, तो ये था किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि स्पोर्ट्स बनेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि किस किस के बारे में, सॉरी कौन कौन से स्टेप आएंगे, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, ठीक है। तो एक बारी जो क्या है, हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, आपको समझ आ जाए। अपनी स्क्रीन जो है वो फिर से हम क्या कर लेते हैं, हम बड़ी कर लेते हैं। है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। चलो अभी देखो, हमने क्या पढ़ा था किंगडम फंजाई के बारे में, इसमें हमने पढ़ा कि क्या है मल्टी सेलर, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टी सेलुलर, है ना। बस जो किंगडम फंजाई है वो हमारे पास कैसी है, वो है हमारे पास मल्टी सेलर, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कैसी है, टेरेस्ट्रियल है, और कहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये है कॉस्मोपोलिटन होती है, मतलब कि हर जगह आपको देखने को मिलेगी, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, प्लांट्स पे, एनिमल्स में। इसीलिए तो हमने इसको वर्ड दिया क्या, कॉस्मोपोलिटन, ठीक है, कॉस्मोपोलिटन इसीलिए हमने इसको वर्ड दिया ना, क्यों, क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी, जहां पे भी इसका एनवायरमेंट इसको सुटेबल लगा वहां पे अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखो आगे बात आती है कि भाई कहाँ पे, वही अभी हमने पढ़ा ना कि कहाँ पे ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, इसका फेवरेबल एनवायरमेंट कौन सा है, कौन सी जगह है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहां पे भी इसको थोड़ी सी नमी मिले, थोड़ी सी गर्मी मिली, ठीक है, वहीं पे ही ये अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। जैसे आप एग्जाम्पल देख लेते हो, मॉइस्ट ब्रेड हो गई, रोटन फ्रूट्स हो गई, ये वहां वहां आपको देखने को मिलेगी। और इसी का जैसे कि एग्जाम्पल में भी पूछा गया कि भाई हम अपना फूड जो है रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उस पर फंगस ग्रो ना करे अपने खाने पे, ठीक है, और हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर पाए, ना कि शॉर्ट टाइम में वो चीजें हम जो लेके आए वो खराब हो जाए। ओके, अब देखो हमने ये क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फंजाई जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन यहाँ पे कुछ फंजाई जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर भी है, ठीक है। और उनका एग्जाम्पल क्या है, उनका एग्जाम्पल है ईस्ट, उनका एग्जाम्पल क्या है आपका, आपका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और वो किस में आती है, वो फंजाई में आती है आपके, और ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, आई बात समझ में। अब जो है सेल वॉल की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है, और वो किसकी होती है, वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की मिलके बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो फंजाई की है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि इनमें क्लोरो, जब ये हेटरोट्रॉप्स हैं तो ये इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद थोड़ी ना बना रही है, तो डिपेंड है किसी दूसरे पे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस भी ये परफॉर्म नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स तो नहीं है ना, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना लेते हो, तो इनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, ना इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ये कैसे हैं, ये हैं हेटरोट्रॉप्स। और ये क्या करते हैं, ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, कैसा है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। नॉन मोटाइल है, इसका मतलब इनके पास ना तो फ्लैजिला है, ठीक है, कैसे हैं ये, नॉन मोटाइल है, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, सीलिया भी नहीं है, स्यूडोपोडिया भी नहीं है, क्यों, ये सारी चीजें किसके लिए होती हैं, ये तो मोटाइल अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसी के पास ये तीनों चीजें पाई जाएंगी ना,
मोमेंट के लिए, ये तो मोमेंट शो ही नहीं करते। इनके स्पोर्स तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या बोल सकते हो, वहां पे ये घूमते हुए मिलते हैं। ठीक है, आप कैसे डिस्पर्स हो जाएंगे स्पोर्स हवा में, और जहां पे भी इनको अपने क्या होगा, अपना सुटेबल एनवायरमेंट लगेगा, ये वहां पे क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अब जो है ये अपना खाना किसके फॉर्म में से मतलब कि स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। अब जो है फंजाई जो है फिलामेंटस होती है, धागेदार होती है। ठीक है, कैसी होती है, धागेदार होती है, मतलब कि इनकी बॉडी पे क्या होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे इनकी बॉडी पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है हाइफे, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है हाइफे। ठीक है, और ये हाइफे क्या करेंगे, ये हाइफे बना लेंगे, बहुत सारे हाइफे मिलके क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे हाइफे मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे माइसीलियम। और माइसीलियम पे जो है ना एक मतलब कि स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको क्या नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको क्या नाम मेंशन किया गया, जिसको नाम दिया गया फ्रूटिंग बॉडीज। आई बात समझ में, इतना हमने देख लिया ना। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका। अब इनका हमने पढ़ा था कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे। ठीक है, पैरासिटिक होंगे, सिम्बायोटिक होंगे। सैप्रोफिटिक मतलब कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे ये, और वहां से अपना ही ये खाना क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, पैरासिटिक होंगे मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मतलब कि लिव करेंगे, रहेंगे वहां पे, डिपेंड करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और वो कैसा होगा, या तो वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। आई बात समझ में। अब थर्ड आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो है एक तरीके का म्यूचुअलिज्म है, इसमें क्या करेंगे, दो ऑर्गेनिज्म जो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि लाइकेंस, एग्जाम्पल में जैसे कि लाइकेंस, लाइकेंस में कौन से दो आते हैं, एक तो आ गया आपका एल्गी और एक आपका फंजाई। ये सारे ठीक है, ये क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों का फायदा होता है, एल्गी का भी फायदा होता है और फंजाई का भी फायदा होता है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा में भी दोनों ऑर्गेनिज्म जो है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई, इन दोनों का ही फायदा होता है, किसी एक को भी नुकसान नहीं होता। और ये आपस में कैसा म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो आगे अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपना, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलो है ना, तभी तो हमें समझ आएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई का। किसका पढ़ेंगे, फंजाई का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका तीन तरीके का है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इनमें। तो देखो इसमें क्या है, वेजिटेटिव में क्या आता है आपका, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारी चीजों से अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो इन इन प्रोसेस के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होगा, फंजाई का। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जैसे या कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओस्पोर आ गए, एस्कोस्पोर आ गए, बेसिडियोस्पोर आ गए। अगर कोई फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है, तो उसके स्पोर कैसे होंगे, उसके स्पोर सेक्सुअल होंगे। अगर कोई फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, उनके पास माइटोसिस होती है, तो वो कैसे स्पोर बनाएंगे, वो एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगे। अगर मियोसिस होती है तो वो सेक्सुअल स्पोर बनाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, अब जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला इसमें मेंशन किया गया है, पहला इसमें क्या है, सॉरी एक ही मिनट, पहला इसमें क्या मेंशन किया गया है, पहला इसमें मेंशन किया गया है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के स्टेप के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स। ये दो गैमेट्स देख रहे हो आप, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है उनका फ्यूजन सिर्फ। ठीक है, किनका फ्यूजन, इनके प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन का। किसका फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन दो गैमेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया, फ्यूज हो गया, तो ये क्या स्ट्रक्चर बना लिए, एक डायकैरियन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्यों, इसका न्यूक्लियस ये है गैमेट का, ये गैमेट का दूसरा न्यूक्लियस। ये इनके फ्यूजन, इनके प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन की बात हुई ना प्लाज्मोगैमी में, तो फ्यूज होके क्या बना लिया, स्ट्रक्चर डायकैरियन स्ट्रक्चर बना लिया।
ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ये बनाया डाइकेरियन स्टेज आ गई आपकी। ओके, तो जो अगला जो हमारे पास फिर स्टेप हम फॉलो करेंगे वो कौन सा है, वो है कैरियोगेमी का। कौन सा स्टेप है, वो है कैरियोगेमी। इसमें क्या होता है कैरियोगेमी में, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। किसका फ्यूजन है, दो न्यूक्लियस का। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेज थी, यहाँ पे हमारे पास डाइकेरियन स्टेज थी, ठीक है, डाइकेरियोटिक स्टेज। ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस फ्यूज होके आपका क्या बना लिया, जायगोट बना लिया। अब यहाँ पर जायगोट तो आपकी स्ट्रक्चर बन गई है, स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। आगे क्या है, आगे है आपका मियोसिस, कि जायगोट में क्या होगी, मियोसिस हो जाएगी। तो जायगोट हमारा क्या है, 2n है, ठीक है, जायगोट क्या है, 2n है, और जायगोट में मियोसिस होगी तो वो क्या बनाएंगे, हैप्लोइड स्पोर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे आपका, एक मिनट, हैप्लोइड स्पोर्स बना लेंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जायगोट है, जायगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस से क्या होगा, वो क्या बना लेंगे, हैप्लोइड स्पोर्स बना लेंगे। ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गई, स्पोर आ गए। ठीक है, क्या आ गए हमारे पास, स्पोर आ गए, जो कैसे हैं आपके, हैप्लोइड है। ठीक है, और जायगोट आपका कैसा था, जायगोट आपका डिप्लोइड था। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस किसमें हमें देखने को मिले, ये हमें देखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे अपना, तो जिसमें भी यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें क्या होगा, ये सारे स्टेप्स क्या होंगे, फॉलो करे जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, आई कि नहीं आई। ठीक है, तो आगे अगर आपको अभी तक कुछ ना समझ में आया हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है, आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी क्या है क्लासेस हैं। ठीक है, आगे इसमें चार क्लासेस दी गई हैं फंजाई की, और अगर उनको डिवाइड किया गया है चार क्लासेस में तो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है उनको, ये हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।